हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि अभी लास्ट वीक फ्राइडे को यानी कि 26 नवंबर 2021 को जो है हनुमानगढ़ से लेकर नौहर स्टेशन के बीच में जो कि टोटल 75 किलोमीटर का एक सेक्शन है, वहां पे इलेक्ट्रिक रूट का जो है CRS इंस्पेक्शन लिया गया था। एंड इसके अलावा 27 नवंबर को बीकानेर डिवीजन के चूरू रतनगढ़ सेक्शन का भी CRS इंस्पेक्शन लिया गया था। तो हनुमानगढ़ नोहर और चूरू रतनगढ़ के CRS के बाद बीकानेर डिवीजन में दिसंबर के फर्स्ट वीक में और दो सेक्शन के CRS होने वाले हैं। तो आगे बने रहिए, इस वीडियो में मैं आपको आगे इसी बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि कौन कौन से दो सेक्शन है जिनका CRS इंस्पेक्शन होने वाला है। सबसे पहले सेक्शन की अगर बात करी जाए तो वो होने वाला है बठिंडा से लेके हनुमानगढ़ जंक्शन तक का सेक्शन, जो कि टोटल 92 किलोमीटर का सेक्शन है। और इस सेक्शन का CRS आज दिनांक 3 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा। CRS इंस्पेक्शन के लिए जो CRS स्पेशल ट्रेन है वो बठिंडा से सुबह 10 बजे रवाना होगी और 11 बजे तक वो CRS स्पेशल ट्रेन संगत स्टेशन पर पहुँच जाएगी। 11 बजे से लेकर 11:40 तक का संगत स्टेशन का CRS इंस्पेक्शन लिया जाएगा। एंड उसके बाद 11:40 पर ये संगत स्टेशन से रवाना होकर आगे संगत से लेके हनुमानगढ़ के बीच में जितने भी ROB, FOB, SSP, TSS या फिर कर्म वगैरह जो भी होंगे तो इनका जो है CRS के द्वारा इंस्पेक्शन किया जाएगा। और शाम को 6:15 के आसपास ये CRS स्पेशल ट्रेन हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंच जाएगी, जहां पे 6:15 से लेके 7 बजे तक CRS इंस्पेक्शन लिया जाएगा हनुमानगढ़ जंक्शन का। और उसके बाद जो है इस सेक्शन का CRS इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बठिंडा हनुमानगढ़ सेक्शन के CRS इंस्पेक्शन के बाद इसके नेक्स्ट डे यानी कि 4 दिसंबर 2021 को जो है हनुमानगढ़ से लेके बिरदवाल स्टेशन, जो कि टोटल 67 किलोमीटर का सेक्शन है, उस सेक्शन का CRS लिया जाएगा। इसके लिए जो CRS स्पेशल ट्रेन है वो सुबह 9 बजे हनुमानगढ़ जंक्शन से रवाना होगी और सुबह 9:50 पर यह ट्रेन सूरतगढ़ जंक्शन पहुँच जाएगी। सूरतगढ़ जंक्शन पर CRS इंस्पेक्शन किया जाएगा, टोटल 55 मिनट का यह CRS इंस्पेक्शन होने वाला है। और सूरतगढ़ से स्पेशल मतलब CRS स्पेशल ट्रेन जो है वो 10:50 पर रवाना होकर शाम को 4:15 के आसपास स्पेशल ट्रेन बिरदवाल स्टेशन पहुंच जाएगी। एंड बिरदवाल स्टेशन से शाम को 4:30 के आसपास एक स्पेशल ट्रेन रवाना की जाएगी, जिसके साथ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को कपल किया जाएगा। और उस सेक्शन पे यानी कि बिरदवाल से लेके बठिंडा, जो कि टोटल 160 किलोमीटर का सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन पे ई लोको का स्पीड ट्रायल लिया जाएगा। एंड बिरदवाल से लेके बठिंडा स्टेशन तक ई लोको स्पीड ट्रायल होने के बाद हो सकता है कि CRS से इस सेक्शन को ई लोको चलाने की मंजूरी मिल जाए। और अगर CRS से इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने की मंजूरी अगर इस सेक्शन को मिल जाती है तो इन फ्यूचर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अवध आसाम एक्सप्रेस और बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को जो है सूरतगढ़ जंक्शन तक ई लोको के साथ चलाया जाए और सूरतगढ़ जंक्शन के आगे लालगढ़, बाड़मेर, बीकानेर तक जो भी है इन ट्रेनों को डीजल ट्रैक्शन पर चलाया जाए। सो, देखते हैं क्या होता है आगे, जो भी होगा आपको आगे इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। एंड मैं बोलना चाहूँगा कि मेरी तरफ से इतना ही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जोर से लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। इसके बाद मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे किसी एक और नई वीडियो में किसी नए अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।